अगर आपका माइंडसेट है एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो ऐसा माइंडसेट बहुत ही कम लोगों का होता है। मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें से मुझे नहीं याद एक भी ऐसा दोस्त जिसका मेरे जैसा माइंडसेट था। तो अब सवाल उठता है, उस वक्त जब यूट्यूब भी नहीं था तब मैंने अपना माइंडसेट ऐसे कैसे बनाया? बुक्स पढ़ के, पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी मैंने और समझने की कोशिश करी कि वो लोग जो एक अच्छे लेवल पर हैं लाइफ में उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। इस तरह से आगे बढ़ना होता है लाइफ में, यानी आपको उन लोगों का माइंडसेट समझना है जो एक्चुअली लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं। तो अब दोस्त क्यों जरूरी है, दोस्तों की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में? क्वालिटी ऑफ वर्क को सस्टेन करने के लिए बीच में रेस्ट चाहिए होता है, बीच में दोस्त चाहिए होते हैं, फैमिली चाहिए होती है। अगर गर्लफ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जिसके साथ में बात कर सको किसी अलग टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपके साथ में इस तरीके से बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है घर में भी मैं जब अपनी वाइफ के साथ में होता हूं ऐसे बात करता हूं? आप समझ रहे हो? तो घर में मैं क्या करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, सुनता हूं, यहां पे बोल देता हूं थोड़ा बहुत, तो बैलेंस हो गया ना। इस तरह से लाइफ को बैलेंस करना होता है कि बोलना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है और सीखने के बीच में रेस्ट देना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, पार्टी भी जरूरी है। पार्टी मतलब क्या? सेलिब्रेशन। लाइफ में अपने गोल्स की तरफ भागना भी जरूरी है, तो रुकना भी तो जरूरी है ना, ठहरना भी तो जरूरी है। जो सिर्फ भागते रहेगा वो तो थक जाएगा, थक करके गिर जाएगा। तो भागना भी जरूरी है, रुकना भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, जागना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। लोग कैसे सोचते हैं? आइदर और, अब मुझे ये करना है तो क्या मैं ये छोड़ दूं? अरे भाई साहब, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करो हर चीज को, देखो हर एक की इंपॉर्टेंस क्या क्या है अपनी लाइफ में। जो जैसा है उससे उतना ही एक्सपेक्ट करो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब अपने दोस्तों से आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो इलोन मस्क के लेवल की बातें करने लग जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दोस्त किस लिए है? टाइम पास के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, या फिर पार्टी के लिए। या अगर कोई एक्चुअल में आपका अच्छा दोस्त है तो वो दोस्त किस लिए है? ताकि जब आपको जरूरत हो तो वो आपके साथ में खड़ा है, और जब उसको जरूरत हो तो आप उसके साथ में खड़े हो, एक सपोर्ट के लिए, एक अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। बट ऐसी दोस्ती बहुत कम होती है दुनिया में।